डभोई तालुका के सिरोला गांव के एक नागरिक को भी डभोई स्थित आई हुई IAFL फाइनेंस कंपनी द्वारा गोल्ड की डमी लोन दिलाने के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायत डभोई पुलिस थाने दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से विवादित बन रहे वैसे IAFL फाइनेंस कंपनी द्वारा लाखों रुपए की उच्चापत और धोखाधड़ी का किस्सा प्रकाश में आया है, जिसमें डभोई के राधे कॉम्प्लेक्स में आई हुई IAFL फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर सहित डभोई तालुका के सिरोला गांव के एक शख्स ने डमी गोल्ड लोन देते हुए 35 लाख की उच्चापत करने के साथ डभोई पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें जानकारी के आधार पर बोडेली ब्रांच के सीनियर अधिकारी निशुल राजेंद्र पंचाल तथा वडोदरा और छोटा उदयपुर जिला की विविध ब्रांच में विजिट उनके द्वारा की जाती है। डभोई पुलिस थाने में 14 फरवरी को दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर डभोई राधे कॉम्प्लेक्स में आई हुई IIFL फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के मैनेजर और स्टाफ सहित 5 अपराधियों के खिलाफ उनके द्वारा इकट्ठा होते हुए 35,28,134 रुपए की डमी लोन लेने के लिए बोगस दस्तावेज तैयार कर कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने की और रुपए की उच्चापत करने की शिकायत दर्ज करवाई गई है, जहां उनके खिलाफ इस प्रकार की शिकायत दर्ज करवाने के साथ डभोई बोडेली छोटा उदयपुर पावीजेतपुर पालेज पौर सहित की ब्रांच में उनके द्वारा देखरेख की कामगिरी की जा रही है। डभोई स्थित आई हुई शाखा में मैनेजर के तौर पर विशाल परेश ओर तथा मयूर शैलेश कनौजिया तथा चिराग रमेश मग्नी द्वारा ग्राहक सेवा अधिकारी के तौर पर सेवा देते हैं। सुकेतु नारायण पटेल तथा अन्य एक अपराधी ने मिलते हुए वारसिया पुलिस थाने में IPC कलम 420 के तहत गुना दर्ज करने के साथ ये तमाम अपराधी फिलहाल मध्यस्थ जेल में है। तो वही इस संदर्भ में नीरव पटेल ने डमी ग्राहक बनाने के साथ लोन दिलाने की और गलत दस्तावेज खड़े करने के साथ डभोई पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस द्वारा सघन तहकीकात का दौर जारी किया है।